नए भारत के लिए आधुनिक बनती हाई स्पीड ट्रेन, मल्टी मोडल डिपो और यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लाती भारतीय रेल ने पिछले 8 साल में देश की प्रगति को नई शक्ति दी है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सबसे तेज, सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक सफर की सौगात लेकर नागपुर पहुंची है। आज नागपुर को मिला है देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उपहार। वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर और बिलासपुर का आपका सफर और भी कम समय में पूरा होगा। मेक इन इंडिया की ये बेमिसाल पेशकश महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करेगी। क्षेत्र में व्यापार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बिजनेस कॉरिडोर देगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र को 1500 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। नागपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के भव्य पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां होगा सुरक्षित, दिव्यांग सुलभ और शानदार वैश्विक सुविधाओं से युक्त प्रांगण का निर्माण। साथ ही अजनी स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। यहां आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था, अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और सुलभ साइनेजेस रहेंगे उपलब्ध। देश के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक नागपुर इटारसी के मध्य बन रही तीसरी रेल लाइन का एक भाग देश को समर्पित हो रहा है। ये तीसरी लाइन मालवाहक और यात्री गाड़ियों के व्यस्ततम ट्रैफिक को संभालने में सहायक होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र को मिल रहा है मेक इन इंडिया के तहत अजनी में बना लोकोमोटिव मेंटेनेंस डिपो, जहां 12,000 HP के इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के रखरखाव की बेहतर व्यवस्था के साथ हम बढ़ेंगे एक कदम और आगे। दूरियां कम करती, अर्थव्यवस्था को मजबूती देती, विकास का वाहक बनती भारतीय रेल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से आधुनिकता और सेवा के नए आयाम स्थापित कर रही है।